लेकर बड़े जालिम मुझे बोले नहीं देते, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तो यहाँ पे हम फातिमा के लिए बूट लेने आए थे। हमने ECS, स्टाइलो, हश पपीज और इसके अलावा 2-3 और दुकानें थी, हमने वहाँ पे विज़िट किया था। लेकिन वहाँ पे एक तो प्राइसेस थोड़ी हाई थी, ऊपर से हमें वहाँ पे इतना कोई फातिमा का यहाँ तो साइज़ नहीं मिलता था, क्योंकि फातिमा का जो पाँव का साइज़ है ना वो थोड़ा सा इस तरह का है ना, वो किड्स में आता है और ना वो लेडीज़ में आता है, तो इसलिए हमें मुश्किल हो रही है। फातिमा के लिए टर्टल नेक ले रहे थे, लेकिन टर्टल नेक जो स्टैंडर्ड साइज़ में आ रही थी वो फातिमा के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो मैं फिर लेके मैं टर्टल नेक घर गई थी। लेकिन फिर मैंने स्टैंड जब फातिमा को पहना के देखी तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, तो चेंज करवा के फिर मैंने मोक नेक ली थी। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो प्रेफर यही करूँगी कि मोक नेक लें। आप लोगों ने पिछले क्लिप्स में देखा था मेरी यहाँ पे गई थी मेरे लिए शूज़ लेने, एंड वो आज ले आई है। तो फिर ना अभी मैं जब स्कूल से ही आई हूँ, कल मेरी पार्टी है, मैं बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। तो अभी वो ना मेरे लाइव रिएक्शन रिकॉर्ड करने लगे, आप लोग को ऐसा नहीं मालूम मैं अच्छा जी आई मैं बैठा कर बस जल्दी जल्दी बना दी है। मैं सच्ची में अभी जस्ट स्कूल से आई हूँ, एंड अब वो मुझे बूट्स दिखाते हैं, देखते हैं। मतलब मैंने अपने बूट मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी उस तरह के बूट्स नहीं लिए, एंड मैं बहुत एक्साइटेड उनको पहनने के लिए। यार कितनी शौकी मारूंगी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अब मैं अपना ना कैमरा अपनी आपी को पकड़ा देती हूँ, तो चलिए वो फिर आगे से रिएक्शन रिकॉर्ड करती है और मैं फिर देखती हूँ है किधर इंडियोर के बूट्स। एंड पहले भी मेरे पास इंडियोर के, यहाँ पता नहीं भाई इनको इंडियोर क्यों इतना पसंद आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक लुक दिखाता हूँ। वाओ ये देखिए, लेकिन मेरा ख्याल से मेरे पाँव से बड़े हैं। आप लोग सोच रहे होंगे भाई मेरा पाँव इतना नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊँ मेरे पाँव ना बहुत चौड़े चौड़े और बड़े किस्म के, उतने मैं खुद नहीं हूँ जिस हिसाब से मेरे पाँव है। तो फातिमा की तैयारी जो थी वो कंप्लीट हो गई थी, और उसने सुबह जो था वो एक लेके जाना था इस किस्म का कि पिज़्ज़ा बर्गर टाइप, मैंने उसके लिए एक सैंडविच टाइप बनाए थे जो कि उसने लेके जाने थे, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो वो चिकन की बहुत सिंपल सी रेसिपी है। चिकन का आप ये करें कि पहले लहसुन को एक दफ़ा फ्राई कर लें, और उसके बाद चिकन डाल के क्यूब्स के पीसीस में, और उसके अंदर चिकन टिक्का का मसाला एक पूरा पैकेट डाल के, तो उसको बस आप लोग पानी खुश कर लें चिकन का, और आपका चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। ये सुबह मैंने रिकॉर्ड किया था फातिमा के उठने से पहले। तो इसके अंदर आप लोगों ने ये करना है कि जो बर्गर है वो आप लोगों ने लेना है, शिमला मिर्च लेनी है और प्याज लेना है। जो हम चीज़ें डालते हैं ना पिज़्ज़े के अंदर, आपने सिंपल वो लेनी है, बस पिज़्ज़े की डो की बजाय ना आप लोगों ने बर्गर की जो पैटीज है ना वो ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने डोन के बर्गर ले लिए थे, तो यहाँ पे प्याज काट लेना है आपने जैसे पिज़्ज़े में आप लोग डालते हैं, और शिमला मिर्च वगैरह जैसे आप डालते हैं आप वैसे डाल सकते हैं। और पिज़्ज़ा सॉस ले लिया हमने, तो अब पहले जो बर्गर का बन है उसके ऊपर हम लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद उसके ऊपर हम चिकन की टॉपिंग डालेंगे, जैसे कि पिज़्ज़ा में बिल्कुल सीक्वेंस से ढलती है ना वैसे वैसे ही आपने चीज़ें डालते रहने, ठीक है। मैंने पहले शिमला मिर्च नीचे रख दी थी, लेकिन फिर वो चिकन का जो बैलेंस था वो सही से हो नहीं रहा था, इसलिए फिर मैंने शिमला मिर्च आउट कर दी, और उसके बाद मैंने चिकन पहले टॉपिंग की और उसके बाद शिमला मिर्च रखी और फिर प्याज रख के फिर ऊपर आपके पास जौन सी भी चीज़ हो कंपनी की वो आप डाल सकते हैं। जो चीज़ है वो दीन वालों की चीज़ है, अगर आप चाहें तो स्लाइस वाली थी, अगर आप चाहें तो वो डाल सकते हैं, या आपके पास जौन सी भी चीज़ है आप लोग वो डाल सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई माइक्रोवेव ओवन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना इस्तेमाल करें। आपके पास घर में जो सिंपल ओवन होता है जिसके अंदर हम अपना खाना वगैरह गर्म कर लेते हैं, उस वाले ओवन के अंदर भी अगर आप 5 मिनट्स भी देंगे, अपने अपने का होता है आप लोगों ने देख लेना है, मैंने इसको 5 मिनट्स दिया था तो ऊपर से अच्छी तरह से जो थी हमारी चीज़ वो पिघल गई थी। अब यहाँ से मैंने ओवन से बाहर निकाल लिए थे और ऊपर ओरिगैनो वगैरह स्प्रिंकल कर लिया था, क्योंकि फातिमा की और उसकी फ्रेंड्स की पार्टी थी स्कूल में, दोनों ने खाना था, इसलिए मैंने जो चिली फ्लेक्स थे वो ऊपर नहीं डाले। अब फातिमा को पैक करके देना था, तो मैंने अपनी तरफ से तो सबसे बड़ा जो घर में डब्बा था वही लिया था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ लोअर लेवल पे 2 ही आ रहे थे, तो फिर मैंने 2 को पहले मैंने ठंडा किया सबको, फिर मैंने नीचे 2 रखे और ऊपर फिर एक टिशू की लेयर लगा दी और फिर ऊपर 2 रख के इनको पैक कर दिया था, तो ये बहुत अच्छे से पैक हो गए थे। तो अब जो आप लोग देख रहे हैं इनके प्रेजेंट की हुई लुक, क्योंकि तब फातिमा को भेजना था और उसको उसके बाद तैयार भी करना था, तो मैंने जल्दी जल्दी जिस तरह मैंने उसको दिए थे बॉक्स में वैसे ही दे दिए थे। तो जो एक्स्ट्रा मेरे पास 2 बचे थे वो मैं आप लोगों को प्रेजेंट करके दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत से ये बन गए थे और इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, मैं आप लोगों को खा के बताती हूँ कि इनका टेस्ट कैसा था। तो यहाँ से ली मैंने एक बाइट इनकी, और ये देखिए अंदर से भी लुक बहुत अच्छी आ रही थी और ऊपर थोड़ी सी मैंने केचप लगा ली, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनका कोई अच्छा टेस्ट था और गर्म गर्म थे ऊपर से। मैंने इनको दोबारा से एक दफ़ा माइक्रोवेव ओवन में कर लिया था ताकि ये अच्छे से हो जाएँ, और बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट बने थे।
तो अगर आप लोग ये ट्राई करेंगे तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। चलें बस इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। बाकी फिर मैंने फातिमा को तैयार किया और उसको स्कूल भेज दिया था, तो उसका व्लॉग जो होगा वो इस पार्ट के बाद आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।